जब पॉपुलेशन बढ़ती है तब घर की डिमांड बढ़ती है, और जब घर की डिमांड बढ़ती है तब ऑब्वियस सी बात है सीमेंट की भी डिमांड बढ़ती है। एंड यू आर इन लक बिकॉज इंडिया में कई सारे ऐसे लिस्टेड सीमेंट कंपनीज है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज 5 ऐसे कंपनीज की बात करते हैं इंडिया में जो सीमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है, और सीमेंट की ग्रोथ की वजह से इनकी भी ग्रोथ हो सकती है। मैं आदित्य अय्यंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में एंजल वन की सीरीज जो यहां होगी हर संडे, इन सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टर्म्स को सिंप्लीफाई करने ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप आगे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करें। सबसे पहले बात करेंगे श्री सीमेंट्स की। इस कंपनी ने अपना सबसे पहला प्लांट राजस्थान में शुरू किया था 1979 साल में। कट टू टुडे इनकी 40.4 मेट्रिक टन्स पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पहले पहले कंपनी के पूरे ऑपरेशंस 100% नॉर्थ में कॉन्सेंट्रेटेड थे। वहां से आज कंपनी बिहार, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, यूपी ऐसे बहुत से जगहों पर ऑपरेट करती है। श्री सीमेंट्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, और इनकी सक्सेस मेनली ऑपरेशनल रही है, क्योंकि देखिए इनका सबसे बड़ा फोकस दो चीजों का है। सबसे पहला लो पावर कंजम्पशन, इसके वजह से इनके कॉस्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आती, और दूसरी चीज ये ब्लेंडेड सीमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं जो बनाने में बहुत सस्ता होता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत हेल्दी है। सेल्स और अर्निंग्स दोनों पिछले 5 सालों में 12% पर ग्रो हुए। सिर्फ वही नहीं लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी हेल्दी है एट 16.6%। कंपनी का डेट भी बहुत कम है, सो देर आरंट एनी रेड फ्लैग्स एज सच टू लुक आउट फॉर। नंबर 2 इज अल्ट्राटेक सीमेंट। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है व्हेन इट कम्स टू ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट एंड रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। अल्ट्राटेक सीमेंट्स का जो मार्केट शेयर है वो 24% है इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी। कंपनी के पास 125 मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है करंटली। इंडिया के बाहर कंपनी यूएई, बहरीन, बांग्लादेश और श्रीलंका में ऑपरेट करती है। व्हाइल दिस मींस दैट कंपनी की एक्सचेंज रेट रिस्क काफी ज्यादा है, कंपनी के पास 100 से भी ज्यादा प्लांट्स हैं, और जब एक ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेंशन देखती है तब अल्ट्राटेक सीमेंट्स जैसी एक कंपनी जिसके इतने सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी ग्रोथ काफी अच्छा होता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। करंटली इनके 80,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स और डीलर्स के साथ नेटवर्क है। ये इंडिया के 80% सिटीज और टाउन्स तक रीच कर पाते हैं, और रिसेंट टाइम्स में इन्होंने सेंचुरी सीमेंट को अक्वायर किया जिससे इनका ईस्टर्न मार्केट में मार्केट शेयर बढ़ गया। कंपनी ने कंसिस्टेंटली 14% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिलीवर किया है एंड 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी। रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लेशन के कारण कंपनी के मार्जिन्स पर काफी प्रेशर आया, लेकिन ये प्रॉब्लम भी आगे जाके नॉर्मलाइज होने का साइन दिखा रही है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपनी दैट इज ACC। इस कंपनी को होलसिम इंटरनेशनल ग्रुप ने अक्वायर किया, दैट इज मेनली बिकॉज इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाया। इनकी कैपेसिटी 36 मेट्रिक टन्स पर एनम की है, और इन्होंने पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंटली 23% का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। कंपनी ने अपने आगे के 4 सालों के लिए एक ग्रोथ कैपेक्स प्लान भी अनाउंस किया है, जहां पे ये अपनी कैपेसिटी 4.8 मेट्रिक टन्स पर एनम से इंप्रूव करना चाहते हैं बाय 2024। कंपनी की रेपुटेशन भी काफी अच्छी है एंड दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली ESG बेस्ड, यानी कि कंपनी का जो मेन फोकस है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑपरेशंस दैट इज ऑन एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। FY22 में कंपनी अपने हाईएस्ट एवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रहे थे, वेरिन ही अपने पूरे कैपेसिटी का 85% यूज कर रहे थे, मेनली बिकॉज रूरल और अर्बन एरिया में इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड भी हाई थी, तो इसीलिए कंपनी भी ज्यादा सीमेंट मैन्युफैक्चर करके बेच पा रही थी। कंपनी की डेट पोजीशन भी काफी हेल्दी है एंड देयर सेल्स हैव आल्सो ग्रोन एट 8% पर ईयर। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव अंबुजा सीमेंट्स, जो वापस लाफार्ज होलसिम ग्रुप का एक पार्ट है। बीच में यह कंपनी अडानी ग्रुप से अक्वायर हुई थी फॉर अ मेजॉरिटी स्टेक। यहाँ पे हमको 30 मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी देखने मिलती है एंड 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। अंबुजा सीमेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो अपने एफिशिएंसी के लिए बहुत रेप्यूटेड है। इनके सेल्स पिछले 5 साल में सिर्फ 7.7% से ग्रो हुए थे, लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इनके जो अर्निंग्स थे वो 24% से ग्रो हुए इन द पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी की जो शिपिंग है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि ये जब सीमेंट बनाते हैं और अपने क्लाइंट्स तक डिलीवर करते हैं
तो सीमेंट की डिलीवरी ये अपने खुद के शिप्स पर करते हैं। दैट मीन्स दे डोंट हैव टू रिलाय ऑन सम अदर पार्टी टू डिलीवर देयर सीमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका ये मतलब होता है कि इनको किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग देयर प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क आता है। जब आप इतने सारे शिप्स को ओन करते हो तो इन शिप्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होता है, प्लस यू आर एक्सपोज टू ऑयल प्राइस की रिस्क। जब ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होती है आपके शिपिंग कॉस्ट भी काफी ग्रेटली वेरी करते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। That is highlighted by their capacity utilization in these regions. Company का track record भी काफी consistent रहा है. The only concern are these shipping costs. और अब आते हैं हमारे fifth company के तरफ जो है JK Cements. ये एक mid-cap company है जो पिछले 40 साल से इंडिया में सीमेंट बना रही है. इनका 77% revenue grey cement से आता है और 23% white cement से. Grey cement वाली segment में ये एक market leader है with 14.7 metric tons per annum capacity. Plus wall putty और white cement वाले segment में भी ये एक market leader है when it comes to the Indian market. इनकी जो total presence है वो 35 countries में है, लेकिन इन 35 countries में जो 34 countries है वो बहुत fragmented है, यानी कि वहाँ से बहुत कम पैसे आते हैं. UAE is the main country जहाँ पे ये international clients को cement बेचते हैं। Before we talk about the financials, यहाँ पर एक contingent liability है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Company के courts में 137 crore के cases pending है। अगर courts company के against rule करती है तो company को इतने पैसे pay करने पड़ेंगे and that might impact the profits in the coming years। लेकिन company का financial track record भी बहुत strong रहा है। पिछले 5 सालों में sales 15% से grow हुए है और earnings 22% से। Return on capital employed भी बहुत healthy है at 16.6% और company का debt to equity ratio सिर्फ 0.95 है। Anyway, एक और बात note करना बहुत important है कि cements एक cyclical sector है, that is जब इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तब सीमेंट्स एज अ सेक्टर भी बुरा परफॉर्म करता है, और इकोनॉमी जब एक्सपेंशन में जाती है तब सीमेंट्स एज अ सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें नजर में रखने के बाद ही अपनी सीमेंट स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। एनीवे, आप कौन से सीमेंट स्टॉक्स ओन करते हैं ये हमें कमेंट्स में बताइए, और पिंड कमेंट से ये भी बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो इसको लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.